जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सबको पता होगा, अब इंडिया इतिहास में पहली बार 400 बिलियन डॉलर चीजें एक्सपोर्ट किया है और ये हमारे लिए एक बड़ा उपलब्धि तो है। कल खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके बारे में ट्वीट किया था और एक तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट का प्रचार कर रहे थे, जो एक हर राजनेता या फिर प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी नहीं है, आगे हमें और भी बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। पहले जानेंगे 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भारत कैसे अचीव कर पाया और पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 120 या 130 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट ज़्यादा अगर आप करते हो, ये कोई छोटी बात है नहीं। इसके साथ चीन के साथ भी कंपेयर करेंगे, चीन हर साल कितना बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है, और भारत को चीन से कितना सीखना चाहिए या भारत चीन से कितना पीछे है या फिर कितना आगे है, वो भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये आप हेडलाइन देख पा रहे होंगे दोस्तों, अगर आप देखोगे 400 बिलियन डॉलर तो कहा जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 380 बिलियन डॉलर बन रहा है अगर आप एक्यूरेट आंकड़े की तरफ जाओगे। और 2020-21 का जो साल है वो तकरीबन 250-260 बिलियन डॉलर था, तो उसके कंपेयर में ये 40% के ऊपर ज़्यादा ग्रो हुआ है। इसके साथ साथ जो एक डाटा दिया गया है कि हर महीने भारत तकरीबन 33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है और हर घंटे में 46 मिलियन डॉलर, तो ये बड़ा अचीवमेंट तो है। लेकिन अगर आप दूसरे डाटा के साथ कंपेयर करोगे ये पीछे रह जाता है। पहले जान लेते हैं कि भारत कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है दूसरे देशों की तरफ, या फिर पिछले साल से इस साल के कंपेयर में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। भारत का एक्सपोर्ट 120 बिलियन डॉलर ज़्यादा हो गया, हालांकि 2020-21 में कोविड भी था, लेकिन भारत का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर है। अब आप कहोगे भारत तो खुद क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों से, सॉरी इंपोर्ट करता है, तो फिर भारत कैसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तकरीबन 60 बिलियन डॉलर के करीब भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है, जो पिछले साल 25 बिलियन डॉलर के करीब था। अगर आप देखोगे एक बैरल क्रूड ऑयल में तकरीबन 47% गैसोलीन होता है, 23% डीजल और जो हीटिंग ऑयल होता है, और 18% अदर फ्यूल है, 10% जेट फ्यूल है, और 4% लिक्विडफाइड पेट्रोलियम है, और 3% एस्फाल्ट है। तो एक जो बैरल क्रूड ऑयल है इसके अंदर सिर्फ ना पेट्रोल डीजल के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ें मिलता है जो अलग काम में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तकरीबन 30 से 40 प्रोडक्ट बना सकते हैं क्रूड ऑयल से, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और भारत ऑयल ये जो यूएई सऊदी अरब से इंपोर्ट तक करता है, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट को रिफाइन करके भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है। और पिछले साल की कंपेयर में इस साल में भारत 2 गुना ज़्यादा या फिर तकरीबन 25-30 बिलियन डॉलर ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया है। तो ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर ज्वेलरी है। ज्वेलरी भी भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है तकरीबन 32 बिलियन डॉलर का, उसमें से 20 बिलियन डॉलर सब सिर्फ डायमंड ही है। और अगर आप देखोगे हर साल तकरीबन, अगर पिछले साल ही बात करें, तो जो ज्वेलरी मार्केट वर्ल्ड वाइड है वो 700 बिलियन डॉलर है, और अब भारत का उसमें से 3.5% मार्केट शेयर है। और अब भारत सरकार कोशिश कर रहा है या फिर ऐसा पॉलिसी बना रहे हैं ताकि हम 7%, मतलब अभी जितना हमारा मार्केट शेयर है उसे डबल करके 7% कर दे। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ केमिकल और एल्युमिनियम वगैरह जो खनिज पदार्थ है वो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या वो काफ़ी है? ऐसा मैं इसलिए उठा रहा हूँ, ठीक है मोदी जी ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक अच्छा कदम है, ठीक है वो भी मानते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है। हम 400 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल है क्या हम ट्रेड सरप्लस में हैं? क्योंकि हमारा इंपोर्ट तकरीबन अगर पिछले साल के डाटा के हिसाब से देखें तो 550 बिलियन डॉलर है, मतलब 150 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम चीन के साथ कंपेयर करें तो चीन का ट्रेड डेफिसिट तो नहीं, ट्रेड सरप्लस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अगर चीन की बात करें तो चीन पिछले साल तकरीबन 3.3 ट्रिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया था, और जो जितना इंपोर्ट किया था अगर उसमें माइनस कर दे तो चीन का ट्रेड सरप्लस तकरीबन 650 बिलियन डॉलर के ऊपर है। मतलब हम जितना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चीन का ट्रेड सरप्लस उससे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसका 400 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड सरप्लस है। तो अभी ठीक है हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा आगे चला जाएगा, अगर 2-3 साल में हम ये अचीव कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। इसके बाद हमारा कोशिश होगा जो ट्रेड सरप्लस है वो वाला जो मार्क है उसे कितना ज़्यादा करें, 50 बिलियन, 100 बिलियन, 200 बिलियन, जितना ज़्यादा करेंगे दुनिया में हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारी भारत का दबदबा उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में चीन
दुनिया का 25% मैन्युफैक्चरिंग जो भी सामान अब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका 25% चीज़ें चीन में होता है। तो चीन ऐसे मतलब ट्रेड सरप्लस नहीं पहुंच गया है, 20-30 साल वो मेहनत किए हैं, पॉलिसी बनाए हैं और उस चीज़ का फायदा अब चीन उठा रहा है। तो हम अगर ठीक से पॉलिसी बनाएंगे तो आने वाले 5-10 साल में हमें भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब दोस्तों आप ये टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हो या फिर आपके अगर कोई अलग सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।